नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। नितिन अपहरण और हत्या मामले का आरोपी सचिन हुआ गिरफ्तार। करवाल नगर पुलिस ने नितिन अपहरण और हत्या मामले में मुख्य आरोपी सचिन कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन ने अपने साथी अरुण के साथ मिलकर नितिन का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। दोनों ने नितिन के परिवार से 2 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि सचिन और नितिन एक दूसरे को जानते थे। सचिन को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उसने नितिन का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई। 19 सितंबर 2023 को सचिन ने नितिन को शराब पीने के लिए बुलाया। नितिन के साथ अरुण भी था। दोनों ने शराब पीने के बाद नितिन की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके शव को गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में छुपा दिया। 20 सितंबर 2023 को सचिन और अरुण ने नितिन की बहन को फ़ोन करके फिरौती की मांग की। हालांकि पुलिस को इस मामले की जानकारी हो गई थी। पुलिस ने सचिन को गंगानगर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। अरुण की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। देखिए, ये करावल नगर का केस है जिसमें 3 दोस्त थे। उनमें से 2 दोस्तों ने बैरा फुसला के तीसरे दोस्त को साथ में लेके गए कि खाएंगे पिएंगे, और वहाँ जाके उसका मर्डर कर दिया और फिर उसी के फ़ोन से उसके परिवार वालों को फिरौती की डिमांड की, 2 लाख रुपए मांगे। तो केस एक्चुअली पुलिस के नोटिस में आया 20 तारीख को सवेरे, जब पहली कॉल आई थी। ये 22 साल का लड़का है नितिन, और उसकी बहन के पास फ़ोन गया, उसी के फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल गई और उसमें पैसे मांगे गए। तो उन्होंने तुरंत आके पुलिस को बताया। हमने तुरंत इसमें 364A IPC होता है, किडनैपिंग फॉर रैनसम, उसका केस दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। एकाध कॉल और आई, और जिस तरह से कॉल्स आ रही थी तो हमें इसमें शक था कि कहीं नुकसान ना हो गया हो। हम लोग अपनी तरफ से आसपास के थानों में पता भी कर रहे थे, और इसी बीच जब इसके दोस्तों की एक लिस्ट हमने इसकी बहन से ले लिया था, इसकी कॉल डिटेल भी हमने खंगाली, तो उसमें कुछ नाम उभर कर आए और उनको हम लोग रूल आउट कर रहे थे। इसी बीच पता लगा कि इसका एक दोस्त है जो कि काफ़ी इसके क्लोज था, और वो दिल्ली छोड़ के कहीं चला गया है। तो फिर उसको हम लोगों ने ठीक से इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा गंगानगर में वो चला गया था। तो हमारी टीम कल पहुंची गंगानगर, वहाँ ये दोस्त मिल गया, इसका नाम सचिन शर्मा है। इसे जब बातचीत की, इंटरोगेट किया, तो इसने बताया कि उसी दिन 19 तारीख का ये इंसिडेंट है, शाम को उसने और इनका जो तीसरा दोस्त है अरुण, दोनों ने मिलके इसका नितिन का मर्डर कर दिया था और लाश को फेंक दिया था, और फिर उसी के फ़ोन से ये कॉल कर रहे थे। तो अभी हमने सचिन को अरेस्ट कर लिया है और अरुण की तलाश जारी है। कैसे, किस चीज़ से इसका मर्डर किया और क्या डिमांड की थी इन लोगों ने? मैंने जैसे आपको बताया 2 लाख रुपए का इन्होंने किया था, और ये चाकू अपने साथ ही ले गए थे। मतलब पहले से प्री प्लान्ड मर्डर था, करीब ये 2 हफ्ते से इसको प्लान कर रहे थे किस तरह से करेंगे। और नितिन की छुट्टी थी 19 तारीख को, तो उनको लगा ये अच्छा मौका है, तो उसको फ़ोन भी किया कि यार तेरी छुट्टी है, चल घुमाते हैं। तो फिर उस बहाने से वो ले गए थे और ये UP में ले आके इसका मर्डर कर दिया। प्रोफाइल एक बार बता देते इनका क्या? मिडिल क्लास परिवार है। जो नितिन है वो एक शादरा में कपड़े की दुकान पे काम करता था, और जो सचिन है ये सेल्समैन है एक बर्तन की दुकान पे। अरुण के बारे में अभी और हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगा। तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।